सेवा समय प्लस से प्लस रहा रहेगा। जैसे मैं दो साल से दिल्ली रह रहा हूं। अब कहोगे मैं आपसे बोलता हूं टैक्स पहुंचा रहा है, तो मैंने आपको बताया सबसे पहले आप क्या देखोगे, टाइप्स देखोगे। क्या देखोगे? टाइप्स देखोगे सबसे पहले। तो बेटा टाइप देखना सबसे पहले यहां जाओगा, टाइप्स है मींस प्रेजेंट टेंस। अब ये नहीं है, मैं इसको छोड़ दो, इनको दोनों को छोड़ दो, समझ लेना। इसके बाद यहां आओ, ये तो बता दिया टाइप, लेकिन इससे अगला वाला जैसा वर्ड आएगा वो आपके लिए टाइप्स बताएगा। क्या बताएगा? टाइप्स। वो टाइप्स बताएगा। टाइप्स क्या है? ये क्या है? टाइप्स है। रहा अब देखो इसको गौर से, रहा ये कंटीन्यूअस एक चीज का नाम आगे के पीछे खेला जाता है तो जेड बन जाते हैं, अगर इसके पास खेला जाता पीछे तो पास बन जाएगा, इसके पास गएगा आगे लगेगा तो फ्यूचर बन जाएगा, इसके पास भी था की लग गया तो पास्ट बन जाएगा, समझ लो। बाकी ये ही इसमें रहेगा, ये इस पर रहेगा, इसमें जाके आ और जुड़ जाएगा, बस इसमें आ जुड़ जाएगा। मैंने देखा था, मैंने कल अपना भाई देखा था, देखा यानी देखा, देख जमा आ गए ना मेहंदी के बारे में आ गए ना सर, तो आ गया इसका मतलब पास्ट बन गया। बाकी ये मैं घर जाता था, वे खाना खाता था, समझ रहे बात, तो ये पास्ट बन गया, बाकी सारे सेम यही है। इसमें रहा नहीं, रह रहे क्या है, रहेगा रहेगी रहेगी, मतलब दे लगेगा और कुछ नहीं लगेगा, निशान चारों की यही है। अब मैं आपने टेंस इसमें लिए बताया था कि आप शुरू में देखोगे लास्ट पर, लास्ट देखोगे लास्ट टेंस का क्या देखना, सबसे आखिरी हिस्सा देखना, है देखा है से क्या पता लगा, प्रेजेंट है सर, अब प्रेजेंट हो गया, अब टाइम से पता चल जाएगा कि कितने कांटेस है, परफेक्ट कांटेस ये पता चल जाएगा, तो इससे अगला वाला जो वर्ड होगा वो कांटेस होगा, अगला है प्रीवियस, अगला क्या है प्रीवियस, हां प्रीवियस, इससे पहला रहा किस बात है, ये याद करना अच्छे से बेटा, ये अगर याद होगा जिंदगी में भूलो नहीं, ये अगर आप याद हो रहा है तो कौन सा हो गया, कौन सा हो गया कंटीन्यूअस, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस, ये कंटीन्यूअस, टेंस क्या है प्रेजेंट, वो मैंने पास था आपने बताया था ना, वो क्या बात, अच्छा देखो यहाँ से प्रेजेंट कंडीशन है, लेकिन यही नहीं, इसको ध्यान से बार पढ़ो, मैं दो साल क्या है समय, और से है और ये जिस काम में जिस वाक्य में समय का बोध किया जाए निश्चित या अनिश्चित रूप में, निश्चित क्या होता है आज सुबह का रात दिन आज, ठीक है 1920 1930 1940 1950 1900 2000 3000 4000 निश्चित टाइम है, ठीक है ये होता है निश्चित, दो दिन से तीन दिन से सप्ताह से 40 दिन से 20 दिन से दो महीना से 4 साल से 20 साल से, ये अनिश्चित समय है, इसको पता नहीं, मैं दो महीने से पढ़ रहा हूं मुझे पता नहीं जनवरी से पढ़ रहा हूं मैं फरवरी से पढ़ रहा हूं दिसंबर से है कब से पढ़ रहा हूं, ये अनिश्चित समय है, समझ लो। तो इसमें क्लियर हो ना, समय प्लस से प्लस रहा प्लस है आई जो आया वो आपके लिए बेनिफिट है, वो आपके लिए बताएगा कि मैं पास्ट में हूं या फेल में हूं या गेम में हूं या है में हूं, बात क्लियर है। अब मैं आपके लिए कुछ टेंशन का फटाफट बताइए लिखो, लिखिए पानी पौधों को पानी दे रहा होगा, लिखिए मालिक पौधों को पानी दे रहा होगा, ये आपके दिमाग में लग गया बेटा, ये समझ आ गया सभी, क्योंकि हर आएगी डाउट किसी को कोई डाउट तो नहीं इसमें, ये मैंने आपके लिए किसी को डाउट तो नहीं है, नहीं ना, इसको मैं रबिंग कर दूं मिटा दूं, मालिक पौधों को पानी देना, देखो मैंने कल अपने खेत में से आप देखा हाँ बना रही
अब एक मिनट, अब ये करना है। सबसे पहले मैंने ये देखा, माली पौधों को पानी दे रहा, बहुत बड़ा सेंटेंस है, लेकिन आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना, मैंने जो आपको ये बताया सब उसका ध्यान देना। ये बहुत बड़ा, ये सारा नॉर्मल हो जाएगा। मैंने आपने बताया सब्जेक्ट है तीन कंपोनेंट, सब्जेक्ट बराबर, ठीक है बेटा। देखिए सबसे पहले यहां जाइए, ये फ्यूचर, फ्यूचर हो गया, इससे पहले प्रीवियस वाला है, ये क्या है कंटीन्यूअस। लेकिन एक बार कंटीन्यूअस में थोड़ा डिफरेंस होगा, कभी ये परफेक्ट कंटीन्यूअस हो या कंटीन्यूअस है। परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या पहचान है, इसमें से क्या फर्क है, परफेक्ट कंटीन्यूअस में समय का बहुत किया जाता है, लेकिन प्रेजेंट सॉरी कंटीन्यूअस में समय का बहुत नहीं किया जाता, अंडरस्टैंड। हां, उसमें दो साल से तीन साल से सुबह से कल से आज से मंगल से कुछ से ये सारी चीज होती है, ठीक है, इसमें नहीं। तो मालिक पौधों को पानी दे रहा होगा, तो यहां का टाइम्स क्या है, तो टाइम्स क्या है फ्यूचर, और ये क्या काइंड्स क्या है, तो इसको जोड़ दो फ्यूचर कंटीन्यूअस, क्या होगा बेटा फ्यूचर कंटीन्यूअस। उसका फार्मूला मैंने आपके लिए बताया था, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस बी फर्स्ट प्लस आई एन प्लस ओ, याद आ गया ना, वही फार्मूला जो पहले पढ़ा था, लिखा था, समझ गए, अंडरस्टैंड। अब देखो एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, सब्जेक्ट वो होता है किसी भी वाक्य का जिस बात जिस शब्द के पीछे मैं आया जिस शब्द के पीछे वो हमेशा ऑब्जेक्ट होगा, जिस शब्द के पीछे मैं आया, मैं घर में रहता हूं, तो घर क्या ऑब्जेक्ट होगा। मैं आपके कुछ सजेशन दे रहा हूं अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, बुक से नहीं, मैं आपने अनुभव से बता रहा हूं, जिस शब्द के पीछे मैं आया वो होता है। अगर वर्ब ढूंढने हैं, पता नहीं वर्ब को, तो जो आखिरी जो वर्ब क्या होते हैं, पिछला बताएगा आपको टाइट, अगला बताएगा आपको काइंड, अगला आ रहा वो वर्ब होगी, क्या होगी, पीछे से चलते हैं, लास्ट बताएगा आपके टाइप्स, कौन सा टेंस में, उससे अगला बताएगा कौन सा टेंस का कौन सा भाग में काइंड्स, और उससे अगला जो तीसरा पार्ट होगा वो हमें बताएगा वर्ब, क्या बताएगा वर्ब। कई कई टेंस में दो दो वर्ब होते हैं, कई कई में टेंस में दो दो ऑब्जेक्ट होते हैं, समझ में बात। हां, तो ये किसी भी कार्य को करने वाला क्या होता है, सब्जेक्ट करता है, करता है, डूअर होता है, वो काम करने वाला होता है, कौन होता है, डूअर होता है, सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट के तुरंत वाला जो आया वो हमेशा ऑब्जेक्ट होगा, क्या होगा ऑब्जेक्ट, जैसे मालिक पौधों को पानी दे रहा था, कौन है क्रिया करने वाला, मालिक सब्जेक्ट है एस, इसके बाद जो होगा पौधों को पानी देना, ये क्या होगा बेटा ऑब्जेक्ट। इसके बाद तीसरा ऑप्शन देना, पानी देना, ये क्या होगा वर्ब, उसके बाद काइंड्स, उसके बाद काइंड्स, दैट्स क्लियर, बात समझ आया, आगे बढ़ूं, सब्जेक्ट क्या था, मालिक, मालिक से क्या बोलते हैं बेटा, मालिक कहाँ काम करता है, बाग क्या बोलते हैं, गार्डन, और बाग का रखवाली करने वाला होगा, ईआर लगा दो, ईआर लगाने से क्या होगा, उसकी रखवाली करने वाला होगा, क्या होगा बेटा, गार्डनर, स्कूलर, ऐसा मतलब स्कूल को मालिक स्कूलर कहेंगे, वो ऑनर होता है, वो कहीं नहीं छुटका बैठता है, कहीं नहीं बैठता, ऐसे ही इसको द गार्डनर will be according to sir will be। देखिए एक बात और, हमें सेल हमेशा दो के साथ लगे, आई और वी के साथ हमेशा सेल लगे, बाकी सब के साथ में ये फर्स्ट पर्सन के साथ ओनली सेल के लिए होगा, बाकी रेस्ट ऑफ सब्जेक्ट में पर्सन तीन है, तो तीन होता है बेटा, एक फर्स्ट पर्सन, एक सेकंड पर्सन है, थर्ड फर्स्ट पर्सन है आई और वी, सेकंड पर्सन में ओनली यू, और थर्ड पर्सन है वी सी इट और देन, तो केवल आई और वी के साथ तो सेल लगा, बाकी सब के साथ में विल एक्सक्यूज मी, विल कभी आएगा नहीं, आई के साथ, आई के साथ कभी विल नहीं आएगा, वो बता रहा हूं सर, दैट जो मैं जाने तो यार, अभी आपने तो क्लियर कर दिया था ना, नहीं सही कह रहे, किसी कार्य को करने के लिए तत्परता हो, मैं कल आऊंगा जरूर, डिटरमाइंड सर 5 मिनट दिया तो डिटरमाइंड, तो आई विल कम, अगर हम नॉर्मली फॉर्म में कहते हो तो आई विल कम, हमें आ जाओ, तो ऐसे अब ये टेंशन खाना खा रही है, तो आई विल कम, हमें आ जाओ, तो ऐसे अब ये टेंशन खाना खा रही है, तो आई विल कम, हमें आ जाओ, तो ऐसे अब ये टेंशन खाना खा रही है, तो आई विल कम, हमें आ जाओ, तो ऐसे अब ये टेंशन खाना खा रही है, तो आई विल कम, हमें आ जाओ, तो ऐसे अब ये टेंशन खाना खा रही है, तो आई विल कम, हमें आ जाओ, तो ऐसे अब ये टेंशन खाना खा रही है, तो आई विल कम, हमें आ जाओ, तो ऐसे अब ये टेंशन खाना खा रही है, तो आई विल कम, हमें आ जाओ, तो ऐसे अब ये टेंशन खाना खा रही है, तो आई विल कम, हमें आ जा
सर पहले वो कंप्लीट कर दो। ना फोर क्यों लगाया तूने? कंप्लीट कर दी तीन सेंटेंस ने। वो भी टाइम ज़्यादा लिया।